कहा जाता है कि अखिलेश यादव कभी किसी का बकाया नहीं रखते, लगे हाथ हिसाब चुकता कर ही देते हैं। पहले भूपेन चौधरी ने अखिलेश को मुफ्त की सलाह दी तो अखिलेश ने चौधरी को आईना दिखा दिया। फिर केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर निशाना साधा तो अखिलेश ने केशव प्रसाद से कुछ ऐसा कह दिया जिसने लखनऊ का सियासी पारा बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को झकझोर कर रख दिया। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति से उठा गुबार अब छटने लगा है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह मौका लपक लिया है और चुन चुन कर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश लोकसभा चुनाव के बाद से फुल फॉर्म में है। वो हर बॉल पर सिंगल डबल नहीं चौके छक्के मार रहे हैं। अखिलेश पूरे लोकसभा चुनाव में कहते रहे कि उनका गठबंधन यूपी में बीजेपी को हराने जा रहा है, लेकिन राजनीति के कथित जानकार उनकी बात को हवा में उड़ाते रहे। लेकिन 4 जून को ईवीएम खुले जब, तो बीजेपी के चेहरे की रंगत उड़ गई और सपा और कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए। तब से बीजेपी में हार के बाद कोहराम सा मचा हुआ है। कोई कह रहा है हार के लिए दिल्ली जिम्मेदार है, कोई कह रहा है हार लखनऊ की वजह से हुई, लेकिन असल मुद्दों पर बीजेपी में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। 80 में से 33 सीटें जीतने पर कई बार बीजेपी नेताओं ने कहा कि भीतर घात की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर न जाने को कहा तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने बीजेपी की अंदरूनी कलह को सबके सामने ला दिया। इस बयान के बाद केशव दिल्ली में ही जमे रहे और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। कहा यह भी जा रहा है कि मौर्य पीएम मोदी और अमित शाह से मिलना चाह रहे थे, लेकिन दोनों नेताओं ने मौर्य को मिलने का वक्त नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौर्य से कहा गया है कि यूपी में सरकार और संगठन साथ साथ काम करें, इस पर काम होना चाहिए और ऐसी कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे जनता में मैसेज जाए कि कोई अंदरूनी कलह चल रही। उनके साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया था। भूपेन चौधरी ने यूपी में हार की समीक्षा रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप दी। 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में चौधरी ने यूपी में पार्टी की हार की वजह बताई। इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इशारों में कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। वहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली में सुनवाई के बाद केशव प्रसाद मौर्य के तेवर नरम पड़े हैं और वो संगठन और सरकार की बात छोड़ समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। मौर्य ने एक्स पर लिखा कि देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी का मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। केशव प्रसाद जिस पीडीए को धोखा बता रहे हैं, उन्हीं को पीडीए वाली पार्टी की तरफ से ऑफर भी आया है। इशारों में अखिलेश यादव ने मौर्य को मानसून ऑफर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने मौर्य को पहली बार ऐसा ऑफर दिया है। मौर्य जब जब अपनी पार्टी के नेताओं से नाराजगी जताते हैं, जब भी पार्टी से या नेताओं से जब जब उन्होंने नाराजगी जताई है, तब तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी की आपसी खींचतान पर भी तंज किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। सावधान करना चाहते हो प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि अगर अखिलेश ने अपनी मेहनत से पार्टी खड़ी की होती तो 100 सीटों का ऑफर नहीं दे रहे होते। श्रीमान अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। संघर्ष करके अगर पार्टी को खड़ा किया होता ना तो आज 100 सीटों का ऑफर नहीं दे रहे होते, क्योंकि खुद की कोई कुवत नहीं है इसलिए ऑफर बांटते हुए घूम रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को धक्का दे करके पार्टी पर कब्जा किया हो, जिनके राज में अपराधियों बलात्कारियों लव जिहादियों आतंकवादियों लुटेरों भू माफियाओं रंगदारों नौकरी के नाम पे ठगने वालों युवाओं को छल से छल करने वालों, उनकी समर्थक सरकार को जनता ने नकारा है और जनता आगे भी नकारेगी।
अखिलेश यादव जी, यह ऑफर आप बांटते रहिए, क्योंकि अब आपके दम बचा नहीं है, आप अपने पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं रह गए। वहीं सपा मीडिया सेल के एक्स हैंडल से ब्रिजेश पाठक का भी एक वीडियो पोस्ट किया गया है। पोस्ट में मीडिया सेल ने लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य को मीडिया कवरेज मिलती देख प्रचार मंत्री से शांत नहीं बैठा गया। सवा दो साल से ये प्रचार मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अभी भी है। क्या नाम आपका? इधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सीएम और गवर्नर की ये शिष्टाचार मुलाकात। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का हाईकमान नहीं चाहता कि आने वाले उपचुनाव में पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे, इसलिए सत्ता और संगठन में तालमेल बेहतर करने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। सीएम योगी भी लगातार पार्टी के सांसदों विधायकों से 1-on-1 मिल रहे। केशव प्रसाद का बयान पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा था, लेकिन अब मौर्य के नरम पड़े तेवरों के बाद माना जा रहा है कि जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जिस बात की चर्चाएं बहुत चल रही थी, ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। खबरें तो ये भी आई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हार की नैतिक जिम्मेदारी खुद ले ली। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहा गया। एक बात जरूर है, बीजेपी में हो रही बयानबाजी पर अखिलेश यादव जमकर चुटकी ले रहे हैं। अखिलेश लोकसभा चुनाव की जीत में मिले मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसे यूं समझिए कि इन दिनों बीजेपी उस घर की तरह से हो गई है जहां क्लेश चल रहा है, और समाजवादी पार्टी उस पड़ोसी की तरह है जो क्लेश के चटखारे ले रही है। अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी का पूरा फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर, पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इस बैठक में ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। इस पर कहा गया, जिन्हें विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है उन्हीं को बुलाया गया, लेकिन विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। बहरहाल कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो ये गाना बीजेपी के नेता लग रहा है कि आपस में इन दिनों गुनगुना रहे। कभी बीजेपी के कई नेता सपा में अनबन की खबरों के जमकर मजे लिया करते थे, लेकिन अब पासा पलट गया है। अनबन बीजेपी में हो रही है, जिसके मजे लेने का मौका अब सपा को मिला। ऐसे में उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीत का स्वाद चखेगी और कौन सी पार्टी हार का कड़वा घोट पिएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।